विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बुधवार को भारत की मेड इन फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड द्वारा बनाए गए खांसी जुखाम के 4 कफ सिरप को लेकर एक अलर्ट जारी किया है। WHO ने एक चेतावनी में बताया है कि ये कोल्ड कफ सिरप गाम्बिया में 66 लोगों की मौत और गुर्दे की गंभीर दिक्कतों के लिए जिम्मेवार हो सकते हैं। रिपोर्ट के अनुसार इन सिरप में डाइथिलीन ग्लाइकोल और एथिलीन ग्लाइकोल की अस्वीकार्य मात्रा की पुष्टि हुई है, जो इंसानों के लिए बेहद खतरनाक है। एक मेडिकल प्रोडक्ट अलर्ट जारी करते हुए WHO ने कहा कि 4 कफ सिरप के सैंपल के लेबोरेटरी टेस्ट में डाइथिलीन ग्लाइकोल और एथिलीन ग्लाइकोल की अस्वीकार्य मात्रा पाई गई है। इसमें यह भी कहा गया है कि दूषित उत्पादों का अब तक केवल गाम्बिया में पता चला है, लेकिन इनके अन्य देशों में वितरित होने की संभावना है। फिलहाल WHO कंपनी और रेगुलेटरी अथॉरिटीज के साथ इसकी जांच कर रहा है। रिपोर्ट के अनुसार दूषित उत्पादों में प्रोमेथाइजिन ओरल सॉल्यूशन, कोफेक्स मेलिन बेबी कफ सिरप, मैकाफ बेबी कफ सिरप और मैग्रिप एंड कोल्ड सिरप के नाम शामिल हैं। WHO का कहना है कि ये कोल्ड कफ सिरप अब तक केवल गाम्बिया में ही पाए गए हैं, लेकिन इनफॉर्मल मार्केट के जरिए अन्य देशों में भी पहुंचने की संभावना है। WHO के जारी बयान ने इन उत्पादों का प्रयोग असुरक्षित बताया है। खास तौर से ये दवा बच्चों के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकती है। इससे लोगों को गंभीर इंजरी हो सकती है, यहां तक कि उनकी मौत भी हो सकती है। इसलिए ऐसी किसी दवा का उपयोग न करें। ये कफ सिर्फ सर्दी की शिकायत होने पर या खांसी जुकाम की दिक्कत होने पर दिए जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सच कहूं।